अच्छा भाई हम दुनिया में ऐसा वक्त गुज़ार कर जाएं जब हम इस दुनिया के से चले जाएं तो लोग हमें अच्छी तरह याद रखें कि कोई वाई शख्स है प्यार नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कामिल मोमिन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और हाथ से अल्लाह की मखलूब तंग ना हो आज मैं और आप देखें कि हमारे ही ज़बान से और हाथ से किसी को तकलीफ़ तो नहीं मिल रही इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ने वाले हैं ज़कात देने वाले हैं हज करने वाले हैं लेकिन अच्छे अखलाक वाले लोग कम नज़र आते हैं क्योंकि नबूवत वाले उम्मत अख्लाक नहीं सीखी तो इसलिए हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाएँ जब मरें तो अल्लाह भी खुश हो और पीछे मखलूक भी रो रही हो कि कोई बंदा था जो इस दुनिया से चला गया ऐसी ज़िंदगी गुजार करना जे कि हमारा जनाजा उठे और लो, लोग पीछे मिठाइयाँ बांट रहे हो कि अच्छा हुआ कि जान छूट गई तो इसलिए उलमा हमारे फरमाते हैं कि ये जबान से निकला बोल या तो शहर से ज़्यादा मीठा है या तो ये जहर से ज़्यादा भी कड़वा है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है इसलिए हम जब किसी से बात करें तो बात करने से पहले सोचें कि मेरी ज़बान से निकला हुआ बोल मेरे भाई को तकलीफ़ तो नहीं देगा इसलिए अच्छे अखलाक के साथ हम ज़िंदगी गुजारें अच्छी यादें छोड़ कर जाएँ जब हम दुनिया से चले जाएँ तो जब अल्लाह राज़ी है तो अल्लाह की तला से रामत बरसती है ऐसे लोग दुनिया में आए हैं अल्लाह के नेक बंदे और नेक वली जिन्होंने आख़रत का सौदा नहीं किया उमर बिन अब्दुलज़ीज़ तीन बरआम का बादशाह था लेकिन ऐसी ज़िंदगी गुजार कर गए हैं कि जब इन पर मौत आई तो जिसम दफा नहीं हुआ था अभी जिसम पड़ा था वलुमा थे मुस्याान कराम थे हवा में हवा में लहर तो वह पर्चा आया और आकर सीने पर गिरा तो तोमां ने उठाकर देखा लिखा हुआ था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अल्लाह ताला ने तफरत कर दी तो ऐसी जिंदगी लोग गुजार के जाते थे तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी नेक अमल करने की तोफ़ी ता फरमाए इसलिए क्योंकि दुनिया मुख्तसर है छोड़ जाना इसका मुकद्दर है अल्लाह को राज़ी करें अल्लाह की मखलूक को भी राज़ी रखें वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी महब्बत का शुक्रिया अल्लाह हाफिज़